आज मैं शुरू करने जा रही हूं कि एक छोटे से जीव से हम क्या सीख सकते हैं। आप जरा सोच के देखिए कि आपको क्या लगता है कि आपकी आंखों के सामने सबसे छोटा कौन सा इंसेक्ट है, या छोटे से छोटा ऐसा कौन सी चीज है जिससे आप कुछ सीख सकते हैं। जब हम प्रोवर्ब्स पढ़ते हैं, नीति वचन पढ़ते हैं, तो उसमें परमेश्वर के वचन में 6th चैप्टर में 6ठी आयत से जब पढ़ना शुरू होते हैं तो वहां पर चींटियों के बारे में, एंट्स के बारे में लिखा गया है। और वहां पर ऐसा लिखा है कि जो एक आलसी इंसान है, जो एक लेजी इंसान है, वो चींटियों से कुछ सीख सकता है। और वचन में ऐसा लिखा है कि गो टू द एंट्स, यानी कि चींटियों के पास जाओ, उनके कामों को देखो और उन कामों को देखकर अकलमंद हो जाओ। जब मैं इस आयत को पढ़ रही थी तो मैंने सोचा कि परमेश्वर, आपने चींटियों को क्यों इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया, क्यों चींटियों के बारे में जिक्र किया गया, क्यों नहीं परमेश्वर ने कह दिया कि शेर के पास जाओ और उससे सीखो, या चीता के पास जाओ, या हाथी के पास जाओ और उससे सीखो, या किसी बड़े जानवर से सीखने के लिए क्यों नहीं परमेश्वर ने कह दिया। देखिए, सबसे पहली बात जो हमें समझने की जरूरत है वो ये है कि परमेश्वर की नजर में छोटा या बड़ा उतना ही मायने रखता है। आप अगर आज ये सोच रहे हैं कि आप एक छोटे से इंसान हैं, एक छोटे से पास्टर जी हैं, एक छोटे से जगह में रहते हैं, एक छोटी सी आपकी आपका रुतबा है, या आपकी जो आपका जो सर्कल है वो छोटा सा है, तो अगर आज आप ये सोचते हैं कि मैं एक छोटा सा इंसान हूं तो मैं एक बड़ा इंपैक्ट कैसे ला सकता हूं, तो मैं आपको ये खुशखबरी बताना चाहती हूं कि परमेश्वर की नजर में छोटा या बड़ा यकसा है। परमेश्वर की नजर में कोई छोटे या बड़े के हिसाब से आंकलन नहीं किया जाता। परमेश्वर की नजर में छोटा भी उतना ही मायने रखता है जितना कि बड़ा रखता है। हालेलुया। और यहां पर परमेश्वर कहते हैं चींटियों से कुछ सीखो, उनके कामों को देखो। तो अगर हम छोटी ही पन की बात करें तो आपको याद होगा कि नुमान कोड़ी है, तो खैर नुमान वॉज अ वेरी रिप्यूटेड चीफ था अपनी आर्मी का, और एक बड़ी सेना का जो अहदेदार था, और पूरे के पूरा जो उसकी नेशन थी उस पर मान करती थी, उस पर घमंड करती थी, यहां तक कि राजा भी उस पर बहुत फक्र महसूस करता था उसे लेकर, लेकिन उसे कोड़ था। अब अगर वो ये सोचे कि इतना बड़ा अहदे का इंसान और उसके पास इतना कुछ और फिर भी उसकी जिंदगी में एक कमी है, तो वो छोटी सी बच्ची जो उसके घर में एक स्लेव गर्ल थी, उस छोटी सी बच्ची ने एक छोटी सी राय उसे दी जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। तो उस छोटी सी बच्ची ने उसे यह कहा कि अगर तू इज़राइल में, जहां हमारा देश है, वहां पर जाकर परमेश्वर के दास एलीशा से दुआ करवाएगा तो तेरा रोग तुझे छोड़कर चला जाएगा। उस छोटी सी बच्ची ने छोटी सी सलाह दी, लेकिन नुमान की जिंदगी बदल गई और उसने परमेश्वर से उस शिफा को हासिल किया और उसकी स्किन ऐसे हो गई जैसे कि एक छोटे बच्चे की मानिंद, ब्यूटिफुल स्किन हो गई। सो परमेश्वर की नजर में छोटा या बड़ा कुछ मायने नहीं रखता है। दूसरी बात, एंट्स से, चींटियों से सीखने के लिए परमेश्वर ने इसलिए कही कि इतना छोटा जीव, जो प्रॉबेबली हम लोग ऐसे सोचते हैं कि पैरों के नीचे आके रोंद दिया जाएगा, पैरों के नीचे आके मार दी जाएंगी, और कितनी चींटियां मरती होंगी रोज हर चीजों के नीचे आकर, लेकिन फिर भी हर एक चींटी के लिए परमेश्वर ने एक पर्पस ठहराया है। तो अगर परमेश्वर इतने छोटे से जीव के लिए भी एक पर्पस ठहरा सकते हैं, तो जरा सोचें कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए, परमेश्वर अपने बेटे और बेटियों के लिए, परमेश्वर अपने उन लोगों के लिए जिनसे वो बेहद मोहब्बत करते हैं, उनके लिए अपने पर्पस को क्यों नहीं अनफोल्ड करेंगे। हालेलुया। सो दूसरी चीज हम ये सीखते हैं। और तीसरी बात जो हम सीखते हैं कि कैसे, इधर लिखा है कि विजडम को, अकल को पाओ, अकलमंद हो जाओ, यानी कि वो काम जो चींटियां करती है। अकलमंदी हमारी सिर्फ पढ़ाई से नहीं आती है, नॉलेज से नहीं आती है, क्वालिफिकेशन से नहीं आती है, लेकिन उन बातों से आती है जो हम सीख लेते हैं और उन्हें हम अप्लाई करते हैं, तो उसे हम अकलमंदी कहते हैं। सो परमेश्वर का वचन अब जो बातें हमें सिखाने जा रहा है कि चींटियों से हम क्या क्या कुछ सीख सकते हैं, और उन बातों को अगर हम अपनी जिंदगी में लागू करते हैं तो लागू करके हम कैसे उसमें अकलमंद हो सकते हैं। आमीन। आप समझ रहे हैं इस बात को? सो परमेश्वर का वचन हमें कहता है चींटियों से कुछ सीखने के लिए। और अगली आयत में जब आप देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि चींटियों का कोई चीफ नहीं होता, कोई ओवरसियर नहीं होता, कोई कमांडर नहीं होता जिसे देखकर वो
यू नो अपने काम को करती हैं। तो ये बात हमें समझनी जरूरी है कि चींटियां आउट ऑफ कंपल्शन काम नहीं करती हैं, चींटियां आउट ऑफ ड्यूटी बाउंड काम नहीं करती हैं कि ओ मेरा बॉस मुझे देख रहा है तो मुझे काम करना है, या मेरा चीफ मुझे देख रहा है तो मुझे काम करना है। वो इसलिए काम करती हैं क्योंकि उनके लिए एक पर्पस है और वो पर्पस उनके अंदर डाल दिया गया है। वो पर्पस जो उनके अंदर है वो उसके मुताबिक अपने आप ही चलती जाती है विदाउट एनी वन टेलिंग देम वॉट टू डू एंड वॉट नॉट टू डू। हालेलुया। यहां से हम ये सीख सकते हैं कि हम जो परमेश्वर के लोग हैं हम निरंतर प्रार्थना में बने रहें, हम निरंतर अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बेहतर करते रहें, हम निरंतर वचन में चलते रहें, एवरी डे एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइव्स हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते रहें, ये जानते हुए नहीं कि हमें कोई सुपरवाइज करेगा या कर रहा है तब हम अच्छा करें, ये जानते हुए कि हर समय परमेश्वर हमें देख रहे हैं और जो कुछ भी हम करते हैं जो कुछ भी हम कहते हैं वो प्रभु की नजर के सामने है। आमेन। तो ये बात हमें चींटियों से सीखनी चाहिए। दूसरा एट्रीब्यूट जो हम चींटियों से सीख सकते हैं वो ये है, दे आर हार्ड वर्किंग, दे आर इंडस्ट्रियस, वो रुकती नहीं है। अगर आप उनका रास्ता भी रोके तो वो कहीं और से निकलने की कोशिश करती हैं। तो जो परमेश्वर का जन होगा वो रुकेगा नहीं, वो थकेगा नहीं, वो ये नहीं कहेगा ओहो प्रार्थना का जवाब तो आ नहीं रहा, छोड़ो परे, नहीं दोबारा से प्रार्थना करनी, कब तक प्रार्थना करते रहे, कब तक दुआएं करते रहे, कब तक रोजे रखते रहे, कब तक ये सब चीजें चलती रहेंगी। तो वो ऐसे हताश नहीं होता है। चींटियों से सीखें कि वो हताश नहीं होती हैं, वो पॉजिटिविटी के साथ लगी रहती हैं। उनका रास्ता बंद भी किया जाता है तो वो कहीं और से रास्ता निकाल लेती हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे घूम के वो रास्ता ढूंढ लेती हैं, और जब रास्ता ढूंढ लेती हैं तो उसमें से उस जगह पर पहुंच जाती हैं जहां उनका पहुंचना मुकर्रर किया गया है। हालेलुया। तो आज हमें परमेश्वर के लोगों को ये बात सीखने की जरूरत है कि हमें हताश नहीं होना, हमें डिस्करेज नहीं होना, लेकिन हर एक बात में ये जानते हुए कि हमारी प्रार्थनाएं, हमारी दुआएं, हमारे धन्यवाद की भेंटें परमेश्वर के नजदीक पहुंचती हैं, ये जानते हुए हम अपनी प्रार्थनाओं को और अपनी थैंक्स गिविंग को प्रभु के सामने रखते जाएं। आमेन। एक चीज और हम सीख सकते हैं चींटियों से, और वो ये है कि जब चींटियों को आपने देखा होगा कि अगर बहुत गौर से आप उन्हें देखें, उनका एक साथी अगर क्षतिग्रस्त हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है उसका, तो बाकी की सारी चींटियां जो उसके आसपास रुक जाती हैं, घेरा बना लेती हैं, और एक दो चींटियां जो है उसको लेकर उस डेस्टिनेशन पर पहुंचती हैं जहां पर उसके पहुंचने की जरूरत है। तो वो ऐसे नहीं करती कि मर गई तो छोड़ दो, वो उसको भी ले लेके खींच खींच के, चाहे उसका बॉडी का वेट उसकी बॉडी के वेट से भी ज्यादा हो या उतना ही हो, लेकिन वो उसको खींच खींच के लेकर जाती है। इससे ये बात सीखी जा सकती है कि जब परमेश्वर कहते हैं एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए इंटरसीड करो, एक दूसरे से मोहब्बत रखो, एक दूसरे के लिए खड़े हो जाओ, तो उसका क्या मतलब है कि हमें एक दूसरे का सहारा बनकर खड़े होना चाहिए। मैंने एक बहुत ही प्यारी बात सीखी थी परमेश्वर के एक अभिषिक्त जन से, और वो ये था कि परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें खुदावंत का पूरा आर्मर पहन लेना है, उन सारे हथियारों को बांध लेना है जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, जिसका जिक्र हम इफिसियों की किताब में पढ़ते हैं। और एक चीज है कि वो सारी चीजें हम आगे से वार करते हैं, या हम उन चीजों का जो हम पर वार की जाती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उनको आगे से होकर हम रोकते हैं, डिफेंस और ऑफेंस दोनों आगे से किए जाते हैं, लेकिन हमारी पीठ जो है उसको कवर करने के लिए भी कोई चाहिए होता है। तो हमारी पीठ कवर करने के लिए कौन होता है, जो हमारा प्रेइंग पार्टनर होता है। हमारी पीठ कवर करने के लिए वो इंसान होता है जो हमारे लिए इंटरसेशंस में हमारा साथ देता है, जो हमारे लिए दुआएं करता है, जो हमें बैकअप सपोर्ट देता है। तो जब आपने देखा होगा कि कभी लड़ाई हो रही होती है और दो लोग एक बड़े क्राउड का सामना कर रहे होते हैं, तो वो पीठ से पीठ लगा लेते हैं और उनकी आंखें आगे होती हैं, और जब वो सर्कल में मूव करते हैं तो उनकी पीठ जो है वो प्रोटेक्टेड होती है, क्योंकि उनकी पीठ के पीछे दूसरा इंसान होता है जो उस वार को झेल जाएगा। I hope you are understanding this. तो हम चींटियों से ये बात सीख सकते हैं कि हम एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बने, एक दूसरे के लिए एनकरेजमेंट का कारण बने, एक दूसरे को अपलिफ्ट करने का कारण बने, और तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं जब हम दूसरों के लिए कंपैशनेट होकर प्रार्थना करते हैं।
कई बार लोग इस बात को कहते हैं, पास्टर नीतू हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आ रहा है। कई बार लोग इस बात को कहते हैं हमें अपनी प्रार्थनाओं का जवाब मिलता नहीं है। तो मैं आपको ये बात बताना चाहती हूं कि जब आप दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करनी शुरू करेंगे, जब आप दूसरों की जरूरतों के लिए प्रार्थनाएं करनी शुरू करेंगे, जब आप दूसरों के लिए कंपैशनेट होकर उनके लिए उस जगह में, उस गैप पे खड़े होकर प्रार्थना करेंगे जो उनमें और प्रोबेबली परमेश्वर के बीच में किसी भी रीजन से हो सकता है, तब आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के नजदीक सुनी जाएंगी। बिकॉज परमेश्वर का वचन कहता है प्रोवर्ब्स 11:25 में कि जो दूसरे की खेती को सींचता है उसकी खेती भी सींची जाती है। Those who refresh others will be refreshed। तो आज इस बात को मैं आपको समझाना चाहती हूं कि ये बातें हमें चींटियों से सीखनी चाहिए। दे आर ऑनेस्ट, वो ये नहीं देखते कि उनके उनको कौन देख रहा है, किसके लिए वो अकाउंटेबल है, बट दे आर ऑनेस्ट इन देयर वर्क। They are hardworking and persistent in their work. रुकती नहीं है, थकती नहीं है, थमती नहीं है, लेकिन चलती जाती है उस काम को करने के लिए जो उनके सामने है। अगली चीज जो हम सीख सकते हैं, they are proactive. देखिए, proactive का मतलब है कि वो कोई भी, जैसे अगर आप मान लीजिए चीनी का दाना डाल दें कहीं पर, आपको उस टाइम तक तो कोई चींटियां नहीं दिख रही होंगी, लेकिन जैसे ही आप चीनी का दाना डालेंगे एकदम कहीं से भी चींटियां आ जाती हैं। तो दे आर प्रोएक्टिव, दैट मींस वो इस फिराक में होती हैं कि जब कोई आशीष आए, जब कोई प्रोविजन आए तो वो उसे ग्रैब कर ले। परमेश्वर के लोगों को भी प्रभु ने प्रोविजंस दी हैं, प्रभु अपॉर्चुनिटीज देते हैं, प्रभु खुले हुए दरवाजे देते हैं, लेकिन कई बार लोग ओवर इवैल्यूएशन की वजह से उन दरवाजों को एनालाइज ही नहीं कर पाते, समझ ही नहीं पाते, और सिर्फ वेट करते रह जाते हैं कि प्रभु कोई सिग्नल और देंगे या कुछ और बताएंगे तब मैं ये काम करूंगा या करूंगी। सो हमें प्रोएक्टिव हो जाना है जैसे कि चींटियां होती हैं। तो आज हम चींटियों से काफी कुछ सीख रहे हैं। आमीन। एक चीज और जो हम सीख सकते हैं, आपने देखा होगा कि चींटियां, एक हमने बचपन में स्टोरी भी सुनी थी और पढ़ा करते थे, एंट एंड द ग्रास हॉपर। तो ग्रास हॉपर क्या है, वो हंसता है जब चींटी अपने लिए चीजों को इकट्ठा कर रही होती, बटोर रही होती है और बताती है कि मैं तो सर्दियों का सामान इकट्ठा कर रही हूं। तो चींटियों की ये फितरत होती है कि वो सर्दियों के लिए पहले से ही चीजें जमा करनी शुरू कर देती हैं, क्योंकि वो दे प्लान अहेड, वो आगे की सोच कर प्लान आउट करती हैं। ये चीज हम भी सीख सकते हैं परमेश्वर के लोग होने के नाते कि हम भी आगे का प्लान करके अपनी जिंदगी को चलाएं। मैं ये नहीं कह रही कि परमेश्वर की सोच से आगे बढ़ जाएं, पर हाँ, कल के दिन में आपको, आपके पास सेविंग्स होनी चाहिए, आप कैसे इन्वेस्टमेंट्स को करेंगे, आप कैसे अपने बच्चों की तालीम को पूरा करेंगे, आपको घर बनाना है तो उसके लिए आपको क्या क्या प्रोविजंस चाहिए। तो एवरीथिंग शुड बी वेल प्लान्ड, अच्छे से मैनेज करके अगर आप करेंगे तो आपका काम बीच में नहीं रुकेगा। सो ये प्लानिंग जो है, ये भी एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो हम सीख सकते हैं चींटियों से। इसके अलावा एक चीज और हम सीख सकते हैं कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। सो ये एक एट्रीब्यूट है जो हम चींटियों से सीखते हैं कि हार नहीं माननी है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि चींटियां रुकती नहीं है, कहीं ना कहीं से रास्ता बना के निकल जाती हैं। उन्हें रोको, उनकी एक लंबी सी कतार होती है, उस कतार को बीच में से आप रोकने भी की भी कोशिश करें, वो फिर से आके फिर से उसको जोड़ देती हैं, फिर से वो एक लंबी सी कतार में आ जाती है, वो क्विट नहीं करती हैं। और अगर हम एक अडेज के मुताबिक भी चले तो ऐसा है कि विनर्स जो होते हैं वो क्विट नहीं करते, विनर्स आर नॉट क्विटर्स एंड क्विटर्स आर नॉट विनर्स। तो इसलिए इस बात को भी हम याद रखें। आमीन। एक चीज और मुझे प्लानिंग पे ही बात याद आई, एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक बार एक गांव में बहुत मेहनती किसान होता है, वो अपनी मेहनत के साथ अच्छी फसल उगाता है और उसकी फसल जो होती है, उसकी जो हार्वेस्ट होती है, फल सब्जियां जो भी वो उगाता है वो सबसे बेस्ट होती है। जो बाकी के लोग होते हैं, जो बाकी के किसान होते हैं, वो उससे बड़े जेलस फील करते हैं और उन्हें लगता है कि ये ऐसे ही लगा रहता है, ना किसी के अच्छे में ना किसी के बुरे में, अपनी ही खेत में लगा रहता है सारा टाइम, बस वो ही काम करता रहता है और अपना सामान ले जाके मंडी में बेच देता है। बहुत बार लोग कोशिश करते हैं कि उसको अपनी अपनी गॉसिप में, अपनी मंडली में खींचे, लेकिन वो इंटरेस्टेड ही नहीं होता, वो इंटरेस्ट शो ही नहीं करता लोगों को इस काम के लिए। तो ऑब्वियसली कोई ज्यादा उसे लाइक नहीं करते लोग। तो एक बार क्या होता है कि उस पूरे के पूरे गांव में ये शोर मच जाता है कि आने वाले दिनों में बारिश नहीं होगी, और क्योंकि बारिश नहीं होगी इसलिए फसल जो है वो बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो किसी को भी खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा।
तो बाकी के जितने भी किसान होते हैं वो कुछ कुछ करने के लिए जाते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ सैक्रिफाइसेस देता है, कोई कुछ यू नो चीजें करने की कोशिश करता है कि शायद बारिश हो जाए इन सब चीजों की वजह से, लेकिन कुछ नहीं होता है। और वो जो किसान है वो अपने फिर भी जो अपनी जमीन है उस पर लगा रहता है, अपने खेतों में लगा रहता है, और उसका जो जो उसके साथ काम करने वाला बंदा होता है, मजदूर होता है, वो कहता है कि आप क्यों नहीं उनके साथ जा रहे हैं, जबकि आपको पता है कि बरसात नहीं होनी है, आपको पता है कि ये सारी जो आप तैयारी कर रही है फजूल हो जाएगी, तो आप काहे को कर रहे हो, तो आप भी उनके साथ जाके वही सब काम करो। तो किसान कहता है कि मैं एक किसान हूं, मैं जानता हूं कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, मुझे पता है कि मैं किसान बनकर क्या करूंगा, तो अगर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और अपनी उस बुलाहट को जो मेरी जिंदगी में है उसको फुलफिल नहीं करूंगा, तो मैं फिर वो कॉलिंग के अकॉर्डिंगली, मैं उस नाम के, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली खरा नहीं ठहरूंगा। तो उसके जो मजदूर होते हैं इस बात को सुनकर बड़े हैरान होते हैं, और वो फिर भी लगा रहता है और फिर भी वो काम करता रहता है। और कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि उस जगह पर बरसात हो जाती है, उस गांव में बरसात हो जाती है। लोग इस बारे में खुश हो रहे होते हैं कि बरसात हो गई, लेकिन उन्होंने बरसात के लिए तैयारी तो की नहीं थी, उन्होंने अपने खेतों को तैयार तो किया नहीं था, तो उस बरसात का उन्हें कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। लेकिन इस किसान ने, जिसने अपने काम को वफादारी और ईमानदारी के साथ निभाया था, उसे उस बरसात का फायदा हुआ और वो अच्छी हार्वेस्ट को देख पाया। इस कहानी से जो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं परमेश्वर के लोगों, वो ये है कि जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको रचा है, जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है, जिस कॉलिंग के साथ परमेश्वर ने आपको बुलाया है, उस बुलाहट को, उस बात को, उस जिम्मेदारी को समझें और जानें और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को जिएं। इट डज नॉट मैटर, जैसे हमने शुरू में बात की, इट डज नॉट मैटर कि आप अपने आप को बड़ा इंसान समझते हैं कि छोटा इंसान समझते हैं, ये इट डज नॉट मैटर कि आपका काम जो है वो बड़ा है या छोटा है। आपकी नजर में वो काम छोटा हो सकता है या दुनिया की नजर में वो काम छोटा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो काम बहुमूल्य है, अनमोल्य है। हालेलुया। सो आप उस काम को छोटा मत समझें। कई बार हम लोग जैसे सीवरेज क्लीनर्स जो होते हैं उन्हें सोचते हैं कि ये तो छोटा काम करते हैं, या प्रोबेबली जो गार्बेज कलेक्ट करते हैं हमें लगता है कि वो तो छोटा काम करते हैं, पर जरा एक दिन सोचकर देखें कि आपके घर के गार्बेज को इकट्ठा करने वाला बंदा ना आए, दो दिन ना आए, तीन दिन ना आए, तो सोचे हालत कैसे खराब हो जाती है। उन लोगों को काम इतना जिम्मेदारी वाला और इतना इंपॉर्टेंट काम है जिसकी वजह से आपकी जिंदगी जो है वो बेहतर बनी रहती है और आपकी जिंदगी जो है वो ईज पे रहती है। सो नेवर अंडरएस्टिमेट द वर्क और प्रोबेबली द कॉलिंग ऑफ अनदर पर्सन। आपकी नजर में क्या है वो मायने नहीं रखता, परमेश्वर की नजर में क्या है वो मायने रखता है। आमीन। सो आज इस वचन के साथ, आज इस एनकरेजमेंट के साथ मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूं, और इस वचन के द्वारा आपको बताना चाहती हूं कि बी एनकरेज्ड दैट यू आर वैल्यूएबल इन द साइट ऑफ गॉड। आप परमेश्वर की नजर में बहुत मायने रखते हैं, आपकी जिंदगी परमेश्वर की नजर में बहुत मायने रखती है, आपके काम जो आप प्रभु के लिए करते हैं वो बहुत मायने रखते हैं, और आपका रिवॉर्ड किसी इंसान से नहीं लेकिन परमेश्वर से डायरेक्टली आने वाला है। हालेलुया। आज आई डोंट नो मैं किससे ये बात कर रही हूँ, बट दिस इज नॉट मी, आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड व्हाट आई एम सेइंग, पर जो कुछ भी मैं कह रही हूँ आई एम स्पीकिंग इट अंडर द लीडिंग ऑफ द होली स्पिरिट। तो आप इस बात को जाने कि जो कुछ भी आप प्रभु के लिए कर रहे हैं आपको उसके लिए सूटेबली रिवॉर्ड करने वाले परमेश्वर हैं।